रायबरेली में सियासी हवाएं बहुत गर्म चल रही हैं। इसी सियासत को लेके राजा जी हरसेन जी से बात करेंगे कि रायबरेली के सियासी समीकरण क्या है। बहुत बहुत स्वागत है आपका राजा जी। बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले आप ये बताइए कि अतिथि जी को भाजपा से टिकट मिल गया है तो क्या समीकरण बनेंगे रायबरेली की सदर विधानसभा में, क्योंकि पहला चुनाव होगा सदर विधायक अखिलेश जी के इंतकाल के बाद रायबरेली। अखिलेश भाई की अनुपस्थिति में अदिति जी का ये पहला चुनाव है। मेरी सर्वप्रथम तो पूरी पूरी शुभकामनाएं उनको कि वो अपने उद्देश्यों में कामयाब हों। लेकिन यहाँ पर हमें ये समझना होगा कि अब देश में पिछले 72 वर्षों से राजतंत्र समाप्त हो गया है, अब ये लोकतंत्र है और इस लोकतंत्र में वंशानुगत शासन प्रणाली की कोई व्यवस्था नहीं है। तो निश्चित रूप से समाज अब धीरे धीरे इसके लिए तैयार हो रहा है और अच्छे लोगों को सदनों में जाने का मौका मिल रहा है। अगर इस जनपद के इस शहर विधानसभा के इतिहास को देखा जाए तो वो इस पूरे 72 वर्ष के संसदीय इतिहास में जनसंघ से लेकर के भारतीय जनता पार्टी तक के सफ़र में कभी इस शहर विधानसभा सीट से इस वर्ग का प्रतिनिधित्व करने वाले लोग कामयाब नहीं हुए हैं। ये अदिति जी के लिए एक बड़ी चुनौती है और इस चुनौती को कैसे वो पार कर पाती हैं ये उनके ऊपर निर्भर करता है। दूसरा एक सबसे बड़ा ये जो महापर्व होता है चुनाव का, ये दरअसल बीते हुए 5 वर्षों की जो कार्यप्रणाली रहती है जनप्रतिनिधि की, उसका मूल्यांकन होता है। अदिति जी की 2 अग्नि परीक्षाएं हैं, एक तो विधायक के रूप में उनकी जो भूमिका रही है उससे जनता को वो कितना संतुष्ट कर पाई हैं, और दूसरा नगर पालिका भी उनके ऊपर विश्वास करके रायबरेली नगर की जनता ने उनको सौंपी है। उस नगर पालिका में विकास की, स्वच्छता की जो सुविधाएं थी उनको वो किस हद तक पूरा कर पाई हैं और उससे कितना जनता संतुष्ट है, चुनाव के परिणाम इस पर निर्भर करेंगे। तब से बीजेपी ने मतलब जो भी प्रत्याशी अपना उतारा है, एक दो चुनाव को छोड़ के बाकी चौथे या पांचवें नंबर पर रहा है रायबरेली में। लास्ट वाले में भी तीसरे नंबर पर, मतलब अनीता जी के बाद चुनाव में तीसरे नंबर पर बीजेपी रही थी, जबकि मोदी लहर बहुत अच्छे से चल रही थी। तो इस बार क्या अदिति सिंह यहाँ का इतिहास बदल पाएंगी? अदिति जी के लिए निश्चित रूप से चुनौतियाँ बहुत हैं। अभी दूसरी पार्टियों के उम्मीदवार सामने नहीं आए हैं इसलिए बहुत स्पष्ट तौर पर कुछ कह पाना मुश्किल होगा। लेकिन मेरा अपना मानना है, मैं पूर्व के इतिहास की कुछ चर्चाएं आपसे करना चाहता हूं कि इस शहर से एक पुराने कांग्रेस के नेता जो इस देश इस सूबे के गृह मंत्री भी रहे, राजेंद्र प्रताप सिंह, गृह मंत्री रहते हुए वो शहर से चुनाव लड़े थे और इसी शहर विधानसभा क्षेत्र के एक गैर पढ़े लिखे सोशलिस्ट वर्कर थे, शायद आज की पीढ़ी उनका नाम भी ना जानती हो, सराय दामू इसी शहर विधानसभा का एक गांव है, वहां के चौधरी रतिपाल थे और वो चुनाव लड़े और विधायक हुए राजेंद्र प्रताप सिंह को हरा करके। और एक अनपढ़ व्यक्ति ने विधानसभा में इतने सवाल पूछे कि आज तक उस रिकॉर्ड को कोई ब्रेक नहीं कर सका है। जनप्रतिनिधि राजा नहीं, जनप्रतिनिधि सरकार और जनता के बीच का एक संवाहक है, संदेशवाहक है, वो जनता की समस्याओं को सदनों में रखता है और उसका निराकरण कराता है। मुझे लगता है कि लंबे दौर से जो लोग विधायक हो रहे हैं वो अपना व्यवसायिक पोषण तो कर रहे हैं लेकिन जनप्रतिनिधि की जो मूल अवधारणा है वो नहीं पूरी कर पा रहे हैं। एक आखिरी सवाल आपसे करना चाहूँगा कि सियासत प्रदेश में तो बहुत ज़्यादा हावी है आजकल, यूपी में काबा, यूपी में ईबा, लगातार सोशल मीडिया पे चल रहा है, गाने के माध्यम से चुनावी प्रचार वार पलटवार चल रहे, प्रदेश में किसकी चांसेस थोड़ा बहुत बढ़ रहे हैं? देखिए, इस समय देश में 56% ऐसा मतदाता है जो 30 वर्ष की आयु के नीचे का है और वही देश के का वर्तमान है और आगे का भविष्य है, और मुझे लगता है कि उसे वो अब शायद जातीय उन्माद से ऊपर उठ चुका है। तो ये देश निश्चित रूप से बहुत सहनशील है, 77 के बाद यहाँ पर कोई व्यापक क्रांति नहीं हुई, लेकिन ये नौजवान जिसे नौकरी नहीं मिल रही, जिसके रोजगार के अवसर समाप्त हो रहे हैं, वो निश्चित रूप से कुछ ऐसा करेगा
जो इस देश के लिए मील का पत्थर साबित हो। हमारे साथ बातचीत करने के लिए जो चंदापुर कोठी के महाराज हरसेन जी थे, उन्होंने पूरी तरीके से रायबरेली के समीकरण के साथ साथ उत्तर प्रदेश का भी समीकरण, सियासी समीकरण रखा। उन्होंने बताया कि रायबरेली के सियासी समीकरण में इस बार क्या मुद्दे होंगे, किस मुद्दे को लेकर युवा वोट करेंगे। आरबीएल हिंदी न्यूज के लिए मैं रवि श्रीवास्तव।